हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको बताऊंगा मंगल की महादशा में किसी जातक की मंगल में बुध की अंतर्दशा चले तो किस प्रकार के फलित होंगे या उसके शांति उपाय क्या होंगे, उस व्यक्ति को या महिला को या पुरुष को या जातक को क्या करना चाहिए जिससे कि उसको राहत मिले। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको राहत मिले, वो भी बिना पैसे के, क्योंकि दुनिया में कोई भी ईश्वर पैसे नहीं लेता है। ऋषि मुनि ने, ऋषि पारसर ने शांति उपाय में मंत्रों के लिए बात कही है कि आप पाठ करिए, पाठ बताएं, विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, ठीक है। तो मंगल में बुध की जो दशा चलती है 11 महीने 27 दिन चलती है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है, ठीक है। जन्म के समय का जो नक्षत्र है वही तय करता है कि आपको कब कौन सी महादशा लगेगी। मंगल में बुध की महादशा, तो ये बुध का मैं यहाँ पे एक चित्र आपको लगाया हूँ। बुध की उच्च राशि जो कन्या कहलाती है वर्गो, और बुध की नीच राशि मीन पाइसेस कहलाती है, ठीक है। ये बुध है, मरकरी बोलते हैं अंग्रेजी में। फ्रेंड्स, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, बड़े विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी विद्याओं को बचाने के लिए हर पूरी पूरी एस्ट्रोलॉजी को, पूरे ज्योतिष विज्ञान को, खगोल विज्ञान को धर्म से जोड़ दिए। तो देखिए, ये बुध का चित्र बना है, बुध देव का, और ये साइंस है, ग्रह है, दोनों को मिला दिए, क्योंकि विद्या बची रहे, उनका सम्मान रहे। लेकिन अभी के जो वर्तमान में ठग लोगों ने क्या किया है, ऐसे चित्र भगवान के दिखा दिखा के लूटपाट करते हैं, ठीक है। और दुनिया भर का डर दिखाते हैं, पितृ दोष, तो ऋण दोष, तो ये दोष, तो ये दोष, वास्तु दोष, तो ये नग पहन लो 1000 रुपये का, तो 50,000 का पुखराज पहन लो, ऐसे प्रकार से आपको बोध के लिए कहीं कोई पन्ना पहना देगा, कोई कुछ पहना देगा, लूटपाट बहुत है। उससे लूटपाट से आपको बचना है, ठीक है। भारत में जो है विद्याओं को और महत्वपूर्ण चीज़ों को बचाने के लिए कई जगह धर्म का उपयोग किया गया है, ये हमारे ऋषि मुनियों का दिमाग था। देखिए, मैं जिस महादशा की बात कर रहा हूँ, ये महादशा नौ भागों में बटी है। हमारे जो ऋषि मुनि ने बताया है कि 44 तो नक्षत्र दशा थी, और 44 जो है 44 नक्षत्र दशा थी, और 44 राशि की दशा थी, जी जैमिनी पद्धति की, जैसे चार दशाएँ थी। इतने विद्वान थे हमारे ऋषि मुनि। किसी को भविष्य या भूतकाल की घटना बताना आसान नहीं है, क्योंकि ज्योतिष के सैकड़ों टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स अब हिडन है, किसी को पता नहीं है, ठीक है। अधिकतर लूटपाट है मार्केट में, और वो व्यक्ति आपके मनोविज्ञान को समझ लेता है कि आप दुखी आत्मा हो, वहाँ पे पहुँचे हो, आपको तकलीफ हो, आपको लूटपाट करता है, और आप भोले बन के लूटपट जाते हो। दुनिया का कोई भी देवता, कोई भी ग्रह, कोई भी बुध, कोई भी शनि, कोई भी मंगल कभी आपसे पैसे नहीं लेगा। ईश्वर सबके भले के लिए बैठे हैं, ईश्वर कभी किसी का बुरा करता है क्या? बीच में कोई तो है जो आपको डराता है, ठीक है। समस्या कोई आपको अकेले नहीं आ रही, ऐसे हजारों सैकड़ों लाखों लोगों को एक समय में पैदा होते तो उनको भी समस्या होगी। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा, यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है, अशुभ है, नीच का है, उच्च का है, वक्री है, मित्र राशि है, गोचर की ग्रह दशाएं हैं, ग्रह की दशा अस्त, विखल, विकल, ग्रह युद्ध में हारा हुआ, वक्री ग्रह में अष्टकवर में कितनी रेखाएं, ऐसे सैकड़ों टेक्निक्स, और 44 नक्षत्र दशा और 44 राशि दशा जैमिनी की, ठीक है, और जो है चंद्रमा का गोचर, ये सारी चीज़ों को आकलन करके, और 16 कुंडलियों में ये नक्षत्र दशा, हमारी 16 कुंडलियाँ बनती है, 16 कुंडली बोलते हैं, तब कहीं जाके किसी के बारे में कुछ बताते थे। ऐसे ऋषि वैज्ञानिक थे हमारे, ऐसे ज्योतिषी थे, लेकिन अब मार्केट में केवल लुटेरे बचे हैं। 1% कहीं कोई सच्चा आदमी बैठा होगा, लेकिन वो आपकी अप्रोच में नहीं है, क्योंकि वो बहुत VIP है, वो बड़े बड़े लोगों का काम करता है, बहुत ज़्यादा फीस लेता है, या बहुत ही VIP आपके अप्रोच में नहीं। आपके अप्रोच में कौन है? ठग लोग हैं, तो ठगों से सावधान रहिए, ओके। आपके भले के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आपकी महादशाएं हैं वो 9 भागों में चलती है। जैसे कि प्रत्येक महादशा चलता है, उसकी अंतरदशा, फिर उसका अंतरदशा, उसकी जो प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर का सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। हमारे जो ऋषि मुनि ज्योतिष में इतना अध्ययन कर चुके थे, वो किसी की मरने की तारीख और मिनट तक बता सकते थे, इतना गणित तगड़ा था उनका। बुध यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा, बुरे भाव में होगा तो, या खराब स्थान में का स्वामी होगा तो फल ठीक नहीं होगा। एक सर्वमान्य सिद्धांत है, सभी ग्रहों के लिए अप्लाई होता है। मंगल की जो महादशा में बुध का अंतर 11 माह 27 दिन का होता है, ठीक है। पूरे मंगल की जो महादशा 7 वर्ष चलती है। मंगल बुध में प्रत्यंतर दशाएं भी चलती, अंतर दशा क्या, प्रत्यंतर भी चलती है।
देखिए, जब मंगल और बुध की दशा चल रही थी, एक बुध से भी तो आपको रिजल्ट आएंगे ना, मंगल से भी तो रिजल्ट आएंगे आपके ना, और बुध से भी रिजल्ट आएंगे, और इसकी वजह प्रत्यंतर उससे भी रिजल्ट आएंगे। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि मंगल आपका उच्च का भी होगा तो हमेशा हमेशा वैसे रिजल्ट नहीं देगा उच्च का। बुध आपका खराब भी होगा तो हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देगा, और अच्छा होगा तो हमेशा अच्छे रिजल्ट भी नहीं देगा, क्योंकि थोड़ा सा समय खराब होता है जो जिसमें आप डरते हैं और आपकी लुटाई पिटाई होती है। आपका जो जन्म नक्षत्र है वही तय करता है कि विंशोत्तरी दशा कब और कैसे लगेगी। ठीक है, नवग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में होती है। जब किसी ग्रह की दशा चालू होती है, जैसे आपका मंगल में बुध चालू हो रहा है, जैसे चालू होगा थोड़ा सा कष्ट होता है, छटपटाहट होती है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय खराब रहता है, बाद में सब पॉजिटिव होता है। मंगल के कारकत्व में, मंगल के वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ दोहराना ठीक नहीं। ये बुध के कारकत्व है, बुध के स्वभाव में तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वात पित्त कफ। बुध का संबंध जाता कि बुद्धि से है। कुंडली में इसकी स्थिति तर्क तथा विवेक के सामर्थ्य को इंगित करती है। प्रतिकूल बुध पापी चंद्रमा के साथ मिलकर किसी की विचारधारा को व्यग्र कर सकता है तथा किसी मानसिक विचलन का कारण भी बन सकता है। आप इसे वीडियो को रोक के इसके आप चिकित्सीय कारकत्व ये दे सकते हैं, और इस वीडियो को, इस वाले आगे को बुध के कारकत्व है, इसको रोक के आप बुध के पूरे जो कारकत्व है उसका आप अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। स्पष्ट दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समय जाया करना ठीक नहीं है। ग्रहों के उच्च अंश के बारे में बता दें, बुध जो है कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री में उच्च का होता है। याद रखें 0 से 15, ग्रहों की डिग्री कितनी होती है, 0 से 30 डिग्री तक के होती है। ठीक है, कन्या राशि में। ठीक है, तो यदि वो 0 से 15 में होगा बुध कन्या राशि में, तब ही वो उच्च के फल देगा। 20 डिग्री में होगा तो शायद ना दे। यही कारण है कि आप बोलते हो कि मेरा तो बुध में, बुध जो है मेरा तो उच्च का बुध है, लेकिन फिर भी मुझे खराब रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों? कि वो 0 से 15 डिग्री का ना होके वो 20 डिग्री का है, 25 डिग्री का है। उसी तरीके से बोलते हैं मेरा तो ग्रह जो है बुध में मीन राशि है, और मेरा 0 से 15 डिग्री में बुध नीच का है, लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन पता लगा कि बुध आपका नीच में तो है, 12वें भाव में, मीन राशि में, लेकिन वो 20 से 25 डिग्री का हो, तो हो सकता है बुरे रिजल्ट ना देता हो। यही छोटी छोटी चीज बातें हैं जो प्रडिक्शन को और फलित को बहुत कठिन बनाती है, जो आसान नहीं है। बुध की दो राशि होती है, एक तो कन्या राशि होती है, उसकी त्रिकोण राशि कहलाती है, ठीक है, जो 15-20 डिग्री है, और मीन राशि इसकी नीचे राशि कहलाती है, 0 से 3 डिग्री का ही बृहस्पति और धनु, सॉरी मीन राशि है। एक तो कन्या राशि है बुध की, दूसरी मीन राशि है। आगे चलते हैं, अब काम की बात बताते हैं कि जो बुध है, मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा का फल क्या होगा। मंगल की दशा में बुध का अंतर, बुध यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो तो सत्संग, और तो बहुत पॉजिटिव। मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो स्थान होता है, जैसे ये 3 नंबर दिख रहा है, ये लग्न भाव है, ये केंद्र है, ये 4था भाव भी केंद्र है, ये 7था भाव भी केंद्र है, और ये जो बुध है यहाँ पे 12वें नंबर पे, 12 राशि लिखी, ये भी केंद्र भाव है, और ये जो त्रिकोण भाव 5वां स्थान त्रिकोण भाव, और ये जो 9वां स्थान त्रिकोण भाव कहलाता है। ठीक है, यदि यहाँ बुध होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। ये मैं उदाहरण आपको मिथुन लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी नंबर 2, ये बुध यदि नीचे अस्त का हो या 6, 8, 12वें भाव में हो तो उसकी अंतरदशाओं में अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। ये कहलाता है 6वां भाव, जहाँ 8 नंबर लिखा है। ठीक है, ये कहलाता है 10वां, जहाँ 10वां नंबर लिखा है, ये 8वां भाव, ये 12वां भाव। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग नंबर लिखे रहेंगे, लेकिन भाव यही रहेगा, ये भाव, ये 6ठा 8वां और ये 12वां। ये तो सामान्य सिद्धांत, इसमें नई चीज कुछ नहीं है। यदि ज्योतिषी आपको ऐसा बताएगा तो वो ऐसे ही देखता है कुंडली में कि आपका बुध कहाँ है। यदि आपका बुध वो 8वें भाव में, तो आपको नेगेटिव बता देगा वो, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता देगा। ये तो मनोविज्ञान है, लेकिन मैं एग्जैक्ट फलित नहीं बता सकता, क्योंकि फलित बताना आसान नहीं है। आप तो बोलना हमको बता भाई, रिजल्ट बता, पैसे ले कितना चाहिए, आपको फलित बता, फलित दम हो तो मना कर देगा आपको, वो नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बताएगा, तुक्का मारेगा, तीर तुक्का, आपसे बहुत सारी चीज पूछ लेगा और आपको ही बता देगा उल्टा सीधा। फलित बताने वाले की दम नहीं है आजकल। बुध यदि दशाधिप मंगल से युत हो, देखिए दशाधिप कौन है, बुध यदि दशाधिप, जो दशापति है मंगल महादशेश, वो कहलाएगा बुध। बुध के साथ यदि मंगल हो तो ऋषि महाराज कहते हैं, पारस ऋषि महाराज, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बुध के साथ यदि मंगल होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, इस पे आपको ध्यान रखना है। ये भी परमानेंट थ्योरी है, कोई ऐसी नई थ्योरी नहीं है। थ्योरी नंबर 4, मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा, यदि बुध दशेश, मतलब फिर वही थ्योरी, यदि आपका मंगल और बुध
एक साथ हो और केंद्र त्रिकोण में हो तो पॉजिटिव रिजल्ट की बात हो रही है। यदि बुध दशेश मंगल से केंद्र त्रिकोण में, ये केंद्र मैंने जहां जहां बुध को बिठा रहा है ये केंद्र स्थान है और ये जहां बुध बैठे हैं वो केंद्र त्रिकोण कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि दशेश मंगल के साथ बुध हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। थ्योरी नंबर 5, बुध यदि मंगल से 6वें, 8वें, 12वें स्थान में हो, पाप से युक्त हो, तो उसकी दशा में मानहानि पाप बुद्धि नेगेटिव बात बोला है। बुध यदि मंगल से, मतलब आपकी दशा काय की चल रही, आपकी दशा चल रही है महादशा मंगल की, मंगल की कुंडली बना के देखिए कि बुध कहाँ बैठा है। यदि बुध 6वें, 8वें, 12वें भाव में गया तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो डरने की जरूरत नहीं, उसका उपाय मैं आपको भी बताता हूँ। मंगल की महादशा में बुध के अंतर दशा में एक और चीज, एक थ्योरी नंबर 6, बुध यदि द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो भी बहुत पॉजिटिव बोला नहीं है, ये कहलाएगा दूसरा स्थान और यहाँ जो स्वराशि होगी वो कहलाएगा सातवां स्थान। ठीक है, तो सातवां बुध द्वितीयेश और सप्तमेश होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बुध यदि यहाँ देखिए सिंह राशि, सिंह की कुंडली में बुध यहाँ पे 6वें नंबर पर द्वितीयेश है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बुध सप्तमेश, इसके बाद वृषभ लग्न की कुंडली में यहाँ पे बुध सेकंड नंबर दूसरे स्थान पे होके द्वितीयेश होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब आपको उपाय बताता हूँ कि यदि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। मीन लग्न की कुंडली में 6वीं राशि सप्तम स्थान पे होगी तो यहाँ पे भी सप्तमेश हो गया, बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो महाराज ने बोला है, कौन महाराज, ऋषि पाराशर ने 3000 साल पहले लिखी ज्योतिष में बोला है, उसके साथ शांति अर्थ अश्वदान। अब घोड़ा तो नहीं दे पाओगे ना आप, कि अभी भी दोगे घोड़ा? अरे घोड़ा खरीदने की औकात नहीं है आपकी, देने की बात तो छोड़ो। ठीक है, तो घोड़ा दान तो दे नहीं सकते। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बिना पैसे का, स्वयं करना, किसी की जिसे करवाने की जरूरत नहीं है, बच गया आपका धन। देखिए कितनी ओरिजिनल बात लिखी महाराज ने उस समय में भी, राजाओं की लिखा होगा अश्वदान कर देना, आपके लिए कहा विष्णु सहस्त्र नाम कर देना गरीबों के लिए। 3000 साल पहले लिखी ज्योतिष, गरीब गुरबे तो उस समय धर्मशास्त्र पढ़ भी नहीं सकते थे, तो राजा महाराजाओं के लिए इसलिए लिखा था अश्वदान और विष्णु सहस्त्र नाम, सोना दान, घोड़ा दान, बकरा दान, भैंस दान, वो राजा थे तो गरीबों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम करिए और 1 रुपये किसी को देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए विष्णु सहस्त्र नाम मिलेगा कहाँ, गीता प्रेस का विष्णु सहस्त्र नाम है, बुक का कोड नंबर है 1801, एक कोड नंबर है 206, ये इंटरनेट में भी उपलब्ध है, आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और आपको स्वयं को, आपको कोई लूटता नहीं, आप स्वयं लूटने जाते हो डर के मारे, क्योंकि हजारों साल से आपके दिमाग में राहु केतु शनि का डर भर दिया है, तो डर के कारण आप डरते हो। नगिनियां ओगड़ बाबाओं से, वास्तुविद से बचें, ये झूठे लोग हैं, लूटते हैं आपको, बहुत कमाई करते हैं, गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपसे से निवेदन है, थोड़ा वैज्ञानिक बनिए, तर्क करिए, ज्योतिष विज्ञान है, डरने का नहीं है, लोग लूटपाट करते हैं, आप लूटपाट से बचें। बुध के लिए जो यहाँ पे मंत्र सुझाया गया है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों सा बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका भी पाठ करके शांति मिल सकती है। आगे बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है और वृहन नारिणी पुराण में लिखा है, हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, नहीं है। भगवान के यदि नाम लोगे ना तो आपका सारा ऋण से आप उऋण हो जाओगे, देवता जो है हंसने लगेंगे, नाचने लगेंगे। लिखा नारद भक्ति सूत्र में, मोदन्ते पित्रो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूर्भवती, अतः शुद्ध भक्ति से पितर प्रमोदित होते हैं, पितृण मातृण दुनिया के ऋण से उऋण हो जाओगे आप, देवता का नृत्य करते हैं, पृथ्वी माता नाचती है, ऐसा लिखा है नारद भक्ति सूत्र में, सूत्र नंबर 71 पढ़ लेना, 69, 70 और 71 को। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि 11वें स्कंद में अध्याय 5 श्लोक 41 में लिखा है, जो व्यक्ति भौतिक कार्यों को त्याग कर ईश्वर की शरण में चले जाता है वो सभी ऋणों से उऋण हो जाता है और देवता उससे प्रसन्न होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप बहुत सारे पूजाएं करते हैं मुझे पता है, क्योंकि ये डर है दुनिया में। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय मंत्र, स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र पढ़ना, रामायण गीता, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा सूत्र आदि, आपको जो पढ़ना पढ़िए, डरिए मत। मैंने आपको स्पेशल मंगल में बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया हूँ, और वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा पाठ है। गर्भवती माताएं, जब आप गर्भवती हो तो व्रत ना करें, और जो बच्चे हैं
उनको पढ़ना चाहिए, शनि राहु केतु के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। नवग्रह स्त्रोत एक अच्छा विकल्प है बिना पैसे का, इसका भी आप कर लीजिए, ये आपको बड़ा अच्छा है नवग्रह स्त्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और